जब पहाड़ों से मोहब्बत हो जाती है ना, तब शहर की इमारतें भी काटने को दौड़ती है। तो स्वागत है सबों को पहाड़ों की इस नई कहानी पर। तो जी, मोहब्बत एक ऐसी चीज होती है ना, जिसके लिए आप वक्त नहीं देखते हो, बस निकल चलते हो। तो जी, इस सफर में हम अकेले नहीं है, आगे कुछ माउंटेन्स लवर हमारा वेट कर रहे हैं। बहुत लंबा, उतना लंबा हम करने वाले हैं। तो सुनो, अभी करना है कुछ नहीं, अपने पास में खाने का सामान है, सारा सामान रेडी हो गया, ठीक है ना, सोने का भी सब सामान रेडी हो चुका है, लेना है बस, नहीं लिए। तो जी, मंटू भैया की चाय के साथ चाय पे चर्चा काफी लंबी हो गई हमारी, इतनी लंबी कि शाम से रात हो गई। और चर्चा इस बात पे थी कि पहाड़ों पे चले या फिर नदी पे। तो जी, सफर का मजा लेते लेते हमें लगने लगी भूख, और आगे झट से एक ढाबे पे रुके और कुछ खाने का पैक करा लिए। यहाँ तक आने के बाद सत्या को मेरी गाड़ी इतनी पसंद आ गई कि वो मेरी पहाड़ी चीता को ले गया और अपनी क्लासिक मुझे दे दी। शायद इसी बहाने मेरी पुरानी मोहब्बत मुझे याद आ जाए और फिर से हम शहर की रोशनी को चीरते हुए पहाड़ों की ओर बढ़ने लगे थे, वो भी घनी सुनसान जंगल के बीच एक पहाड़ जहां से पूरा शहर दिखाई देता था। दिन वो क्या जो ना तू साथी है। तो ये जो पहाड़ है, पहाड़ से हम नीचे आ गए हैं और नीचे आने की वजह है बस ये लकड़ियां जिससे खाना बनेगा। एक्चुअली चिकन बनने वाला है इस लकड़ी से, और रोटी तो हम लोग लेके आए हैं लकड़ी की तलाश में। पूरा डीप जंगल में आ गए हम लोग, देख रहे हो चोने ऐसे कुछ और नीचे उतरते जा रहे हैं, हमको नीचे देख के चलना होगा। बेशरम लोग बियर का बोतल फोड़ा है यहाँ पर। तो गाइज, ऑल सेट, टेंट हमारा लग गया है, गाड़ी भी मस्त सा लाइन अप हो गया उधर, और बस लकड़ी नीचे से लेके आए। बहुत अंधेरा था, बहुत दूर चले गए थे, हालत खराब पसीना से। अभी खाने का सिस्टम सेट करते हैं, मतलब चिकन उकन बनाना है अभी, तो पहले चूल्हा बनाना होगा ना। चल रख, तो करीबन 10 बजे हमारा चिकन बन गया था और देखने में तो बड़ा लजीज लग रहा था, क्योंकि हम खा नहीं रहे थे, कुछ दिन के लिए वेजिटेरियन बने हुए थे, और ये लोग पे चिकन पे चाउमीन डाल के चिकन चाउमीन बना दिया। उसके बाद ये चाइनीज आइटम को ये देसी कुत्ता को दे दिया। अपना देसी खाया चाइनीज। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं करीबन 5:30, 5 बज रहे हैं, 5:30 नहीं हो रहा, और सनराइज का माहौल है, सारा कोई सो रहा है, लेकिन नींद नहीं आ रही थी हमें, क्योंकि
ये जो होने वाला है सनराइज होने वाला है बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। इसके वजह से सारी रात नींद नहीं आई हमें, लेकिन नज़ारे परफेक्ट। ना तो इस जमीन की ना है आसमां की तेरी कौन सी नगरिया। मन बावरा है तुझ पे रुका है मांगे तुझे सावरिया। ना तो इस जमीन की ना है आसमां की तेरी कौन सी नगरिया। सनराइज दोस्तों, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। गुड मॉर्निंग पब्लिक। बहुत ज्यादा सनलाइट की वजह से सनग्लास लगाना पड़ गया और बाकी नींद तो वैसा आ नहीं रहा है, लेकिन बाकी सब बढ़िया है। देख रहे हो, मजा नहीं लाइफ। सनराइज हुए करीबन 15-20 मिनट हुआ, एक टाइम लैप्स लगा हुआ है, परिंदा उड़ान मार रहा था, और सामान पैक करेंगे करीबन आधे घंटे में निकल चलेंगे यहाँ से, तब जाके मजा आएगा। ये टेंट झूठ मूठ का आया था, टेंट में कुछ सोया नहीं, सब ऐसे बाहर ही मजा आ रहा था ना। ओह तो जी, सबों को वेरी गुड मॉर्निंग। और रात भर सोए नहीं है, लेकिन भी एनर्जी में कोई कमी नहीं है। बहुत मज़ा आया। हम अब चट्टान में ऐसे लेटे रहे, नीचे एक बेडशीट बिछा के बस, और अभी करीबन 6 बज चुके हैं। अब वापस जाना होगा क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा है। देख रहे हो, सनग्लास के बिना सब तो पैक करते हैं और निकलते हैं, और बाकी बातें गाड़ी में करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस, कोल्ड स्टार्ट हो गया गाड़ी और ये सनसेट हो गया, ये सनराइज मस्त सा हो गया। एक आध घंटा भी हो गया होगा और सारा सामान पैक हो गया, मेरा एक बैग रेडी है, सारा कचड़ा को जला दिया वहाँ पे। और ये देखो सीन खतरनाक। अब इस जगह से निकलते हैं। चलो ब्रो, चलो लेट्स रोल बेबे। कॉल स्टार्ट, तेरे आगे रहेंगे। कम ऑन, तो भाई एक लोकेशन मिला है ढलान पे, यहाँ पे फोटो बहुत हैवी आएगा शायद, यहीं पे ना। ये देखो 310, 411, 250, 411, 350, कुल मिला के बहुत सारा हो गया। ओहो हो, क्या खतरनाक लग रहा है यार, पांचों भाई। तो जी, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करे, कमेंट करे, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दे। फिर मिलेंगे ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय बाय।